आपका नाम है आपका गौतम गौतम और गौतम घोष घोष व्हाट आर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट सर डिफेंस स्टडीज एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओके व्हाई यू हैव सिलेक्टेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर बिकॉज़ इट्स अ डायनेमिक सब्जेक्ट एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर एडमिनिस्ट्रेशन The administration you are supposed to do in future when you are selected. Yes. तो ये public administration में एक concept होता है e-governance क्या है? Sir, e-governance एक concept होता है जो basically जो है fast and reliable service देने के लिए जैसे आप computer networks का इस्तेमाल करते हैं और कोई individual घर बैठे ही कहीं government office में registration करवा सकता है या अगर विलेज में है तो वो कम्युनिटी सर्विस सेंटर तो ऐसा कोई गवर्नमेंट ने स्कीम वगैरह शुरू की है कोई प्रोग्राम एक आपके नाम बताओ सर काफ़ी प्रोग्राम्स है जैसे मध्य प्रदेश में ज्ञान दूत उसमें काफ़ी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट में सर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम कम्युनिकेशन है सर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम सर उसके पहले नेशनल ई गवर्नेंस प्लान भी था कब शुरू हुआ था 2006 में डिजिटल इंडिया में इसके लिए क्या है डिजिटल इंडिया में सर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं इसमें सर एक भारत नेट करके प्रोजेक्ट है जिसमें सर 1 लाख पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कम्युनिटी सर्विस सेंटर से जोड़ना है और इससे सर जो बेसिक चीज़ें हैं डिजिटल डिवाइड क्या होता है सर डिजिटल डिवाइड ये है कि जैसे रूरल और अर्बन में जो डिजिटल मतलब जो इंटरनेट यूजर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है तो इसी को जो है डिजिटल डिवाइड के नाम से जाना जा रहा है ये इंटरनेट के कंटेंट में ज़्यादा मतलब क्या समझेगा सर जैसे अगर रूरल में जो है 30% अगर है तो यहाँ पे अर्बन एरियाज में ये 70-80% है तो ठीक है कि नहीं ये तो हर चीज़ वहाँ कम है तो ये भी कम है क्या दिक्कत है नहीं ये क्योंकि सर डिजिटल क्योंकि सर ये अब आने वाले समय में जो है इसी का मतलब इसका प्रयोग बढ़ेगा तो एजुकेशन और इसको मतलब जो है कंपनसेट करने के लिए जो अगर इसको बढ़ाया जाए तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह काम करेगा सर ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया डिजिटल इंडिया प्रोग्राम सर 2015 में लॉन्च किया गया मंथ याद है मंथ एग्जैक्टली सॉरी सर इंडियन जो है डेमोक्रेसी है बाकी लोकतंत्र में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें ब्यूरोक्रेसी की क्या भूमिका होनी चाहिए सर ब्यूरोक्रेसी की सबसे पहली भूमिका तो होनी चाहिए जैसे इलेक्शन में तो इलेक्शन जो मैनेजमेंट जैसे अभी 2019 इलेक्शन आ रहा है तो ब्यूरोक्रेसी जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन कमिश्नर है स्टेट में जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है इनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को मतलब लागू कराना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है हाँ राजनीतिक दलों को उस पर बिलीव नहीं लगता है कि ये फेयर है इसको कैसे प्रूव करें सर सबसे पहले तो जो इलेक्शन कमीशन को इसके पहले उन्होंने किया था कि ऑल पार्टी मतलब उनको चैलेंज दिया था जी हाँ तो इस तरह से एक चैलेंज देना चाहिए उसके बाद जैसे January 25 अब आ रहा है तो यूथ को वोटर्स दें तो यूथ को जो है इसको डेमो देने से जगह जगह डेमो दे के ये दिखाया जाना चाहिए और चैलेंज देना चाहिए ना कि खाली मतलब पार्टीज को वो भी MNCs है बड़े बड़े मतलब IBM के मतलब जो इंस्टीट्यूट से बुला के खैर तक राजनीतिक पार्टियाँ जो हमारा जो जन समूह है उसका प्रतिनिधित्व करती है ये तो एक जनता में भी बहुत इसको लेकर के है कि ये गड़बड़ तो जनता को कैसे सर वही अगर अगर जो है चैलेंज किया जाए या जनता से या कहीं से भी सिविल सोसाइटी से या किसी से भी आप जैसे अभी अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो है दिल्ली में करवाया इस तरह का चैलेंज करके अगर इलेक्शन कमीशन बोले कि इनको हैक करके आप दिखाएंगे तो इससे जनता में बड़ा मैसेज जाएगा देखिए ये हैक नहीं होता ये अलग बात है कि कभी कभी कोई भी सिस्टम में फॉल्ट आ जाता है इसमें सर बैलेट पेपर में भी फॉल्ट रहे हैं तो हर समय कहीं ना कहीं तो फॉल्ट आ ही जाता है सर तो उसको जो है एक डेमो दिखा के या चैलेंज इलेक्शन कमीशन बोले कि हम चैलेंज इसको हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं डिफेंस स्टडीज है
डिफेंस एंड सिक्योरिटी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफेंस एंड सिक्योरिटी? सर डिफेंस अगर देखा जाए तो ये एक नेशनल इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में यूज करते हैं डिफेंस. डिफेंस नहीं पार्डन सॉरी सर डिफेंस यूज डिफेंस हम यूज करते हैं जब हम हमको डिफेंड करना हो. हम लोग अटैक नहीं करते. इंडिया का ये भी है कि हम लोग अटैकिंग पावर नहीं है. जैसे हम लोग न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं है, नो फर्स्ट यूज. तो हम लोग डिफेंड करेंगे और अटैक तभी करेंगे जब हमारे ऊपर अटैक होगा. तो ये तो है डिफेंस. और सिक्योरिटी है कि हम अपने जो है जितने भी जो है आईलैंड मतलब जितने भी जो है इंटरनल सिक्योरिटी है या एक्सटर्नल सिक्योरिटी है ईजेड है हमारे या कोस्ट लाइन है उसको हम सिक्योर करेंगे सेफ करेंगे. तो वो सिक्योरिटी पर्पज से होता है. पढ़ाया कहीं आपने कि वैसे बता रहे हैं फीडबैक कब जब हाँ इंटरव्यू खत्म हो गया. आप देखिए आप करंट अफेयर की जानकारी आपने डिजिटल इंडिया का अच्छा जवाब दिया और इसलिए मैं अच्छा मानता हूँ कि सर हो गया हाँ कंप्लीट हो गया कि अचानक ही हमने पूछा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी महीन चीज़ जो है तो आपने उसको पकड़ा. वो ई गवर्नेंस भी बताया आपने प्लान को सही है उसका और पकाया चीज़ें भी ठीक हैं आपके आत्मविश्वास वगैरह ये हमने कर लिया है. ये मुझे लगता है लास्ट वाले में आप गड़बड़ा गए. इसको आपको मना करना चाहिए था अच्छा सा कि मुझे क्लियर देखो इसमें रुचि नहीं उनको इस चीज़ से इंसाइक्लोपीडिया थोड़ी है कोई. आप मेरे से दो सवाल पूछ लो मैं नहीं बता पाऊँगा. आप इंटरव्यू में जाके अगर मैं आप उनसे दो सवाल पूछ लूँ कोई मेंबर नहीं बता पाएगा. अरे कोई इसे थोड़ी है वो तो आप पूछ लो कि साहब उस चौराहे फलाना किसकी मूर्ति लगी बता दो. आप इलाहाबाद में रह रहे हो बता ही नहीं पाएगा. तो वो कोई अच्छी बात थोड़ी है. हाँ नहीं नहीं वो नहीं बात ये है कि जो आप बताते हैं तो कैसा बताते हैं और आप इस चीज़ को जानते हैं कि क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. जहाँ नहीं आता है वहाँ नहीं बताना चाहिए. वहाँ क्योंकि आप गलत जाएंगे फंस जाएंगे और वो पकड़ लेगा आपको और आप डिमोरलाइज हो जाएंगे. ठीक है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा इलाहाबाद के ही. तो ये जो है कुंभ हो रहा है जैसे यहाँ पर उस समय आप इंटरव्यू दे तो कुंभ का पढ़िए. ठीक है इलाहाबाद में डेवलपमेंट का काम बहुत हो रहा है तो अभी ज़रा देखिए कौन सी एजेंसी करा रही है. डेवलपमेंट अथॉरिटी है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है. ठीक है नहीं इसका नाम बदला गया है तो कौन नाम बदलने का अधिकार किसे उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू. प्रयागराज भर्ती काम नहीं चलेगा. वो पूछेंगे कौन बदल सकता है कौन सा डिपार्टमेंट बदलता है. ठीक है नहीं किसको ये पावर है. तो ये सब चीज़ें जो है जो यहाँ की इलाहाबाद की लोकल आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए. इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है और इलाहाबाद का भी जो है अल्लाह आबाद से आया तो उसका भी लिटरल मीनिंग कभी किला बना था यहाँ पे. तो बहुत लोगों से ये सवाल पूछे जाएंगे कि उस समय यहाँ रोज़ अखबार में न्यूज होगी जितने आज कुंभ मेले की और उसकी डेवलपमेंट वर्क बहुत हो रहा है. चलो फिर भी ये चीज़ यहाँ पे अभी एक पता क्या चला रहे हैं कि जितने टोल्स हैं इलाहाबाद से 50 किलोमीटर फ्री होने चाहिए सर. अब ये बड़ा टेक्निकल मामला है क्योंकि टोल्स अलग अलग एजेंसी ऑपरेट कर रही है. तो वो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है. तो ये सब पता करके रखना है कि टोल कैसे. बात ये है कि जब टोल की चलेगी बात तो फिर कहीं भी घुस जाएंगे वो टोल पे. टोल क्यों लगाया जाता है टोल क्यों होता क्या है. तो ये जो चीज़ अखबार आप पढ़ रहे हो जैसे कोई ऐसी चीज़ आए जो विवाद में बनी हुई है उसकी तह तक जाओ. प्रशासक का ये काम है. और आप कुछ जानना चाहिए सर? आपने नाम पूछा गलत है. आपको जब मैं नाम पूछ रहा हूँ तो आपको ऑफिशियल नाम बताना है जो आपने फार्म में भरा है. यस सर सर जो है जैसे मैंने वहाँ नहीं पूछेगा. लेकिन इसका मतलब ये है इसका आप कॉमन सेंस लगाओ कि जो भी चीज बताओ आप पूरी बताओ. ठीक है नहीं ड्रेसिंग सेंस में है कि सर शूटर ना हमारे का सेंस आता है. हां कोट पहन लेंगे या कुछ भी मत पहनो. आज थोड़ा सा प्रिपेयर नहीं होता है सर. हां क्योंकि सर जो है अभी सिलाई करने का हो रहा है. हां ध्यान दे. हां मतलब
ड्रेसिंग से और ड्रेसिंग में एक और चीज़ है, आपका शर्ट का कलर बहुत बड़ा है नीली वाली। हाँ सर, ये मतलब हम प्रिपेयर नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, शर्ट और पैंट का भी है, तुमने देखा पैंट काफ़ी जो है वो पुराने स्टाइल में। अच्छा, ऐसी चीज़ है कि ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ हीरो बन के जाना है, लेकिन सौ बार वो अभी ज़्यादा बड़ी कॉलर है तो अकवर्ड लगती है। अच्छा, कॉलर का जो साइज है तो वो कभी स्वेटर की जगह कोट डाली नहीं, जाड़ा होगा कोट डाल सकते हैं लाइट कलर। कोट मतलब हाँ चलो ठीक है, आप पढ़ाई करो ज़्यादा इस चीज़ को, हम थोड़ा सा आए हैं तो बता रहे हैं, डोंट गिव मच इम्पोर्टेंस टू दिस थिंग्स, हमें तो आपको बेचारे को करना। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।